आए, तो उसके बाद की मेरी परवरिश, मेरी स्कूलिंग यही अगल बगल में हुई। अपने अपनों को छोड़ने के बाद जो मुझे पहला सेट ऑफ अपने मिले, जिनको मैं अपने रिश्तेदार कह सकूँ या जिनको मैं अपने यार दोस्त कह सकूँ, वो मुझे यहाँ से मिले। मेरा करीब 3-4 साल हर वीकेंड मैं घर नहीं जा पाता था, लेकिन मैं यहाँ के कई अनगिनत परिवारों में रहा जिन्होंने मुझे अपना बना के रखा। और फिर उसके बाद जब मेरी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हुई तो इस धरती ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। आज मैं जहाँ पे भी हूँ तो उसमें यहाँ की धरती का, इस शहर का बहुत बड़ा योगदान है। और जो लोग शायद पता नहीं, आप सब लोग मेरे ख्याल बहुत छोटे हैं उम्र में, तो यहाँ पे जब ताऊ देवीलाल पार्क हुआ करता था तो वहाँ पे मैंने इस दुनिया में कह सकते हैं प्रोफेशनली या हिंदुस्तान में कह सकते हैं, जब 2020 क्रिकेट की शुरुआत हुई तो वो मैंने शुरुआत की थी यहाँ पे। ताऊ देवीलाल पार्क था, उसको जो स्टेडियम बनाया था, आई वाज अ ग्रुप प्रेसिडेंट अजीज दैट टाइम, ICL वाज माय इनिशिएटिव दैट टाइम। सो ICL की इसी धरती से मैंने शुरुआत की थी। तो वो सौभाग्य रहा कि कई सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी जिन्होंने बड़े बड़े बेंचमार्क सेट किए, जब हमने 2005 में ICL के बारे में, जब 2020 फॉर्मेट के बारे में सोचा था कहीं पर भी नहीं होता था, फिर उसके बाद हमने शुरुआत की तो आज दुनिया में सिर्फ 2020 क्रिकेट की ही बात होती है। तो ये धरती पर कुछ ऐसी बात है कि बड़ी बड़ी चीज़ों की शुरुआत यहाँ से होती है, चाहे वो उद्योग हो, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज इस धरती से उभरे हैं। तो एक मैं समझता हूँ एक नेचुरल कनेक्ट है कि दुनिया में जो कुछ अजूबे हो गए, दुनिया में दुनिया को बदलने वाली जो चीज़ें हो गई, वो इस धरती से उसका संबंध रहा, एक वो फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट था। और दूसरी चीज़ ये, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मैं कश्मीर से हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है मैं जो चीज़ खोजता हूँ वो खोजता हूँ शांति। जो मुझे आज के दौर में भी हम लोग देखते हैं, हम लोग कई लोग ये कहते हैं कि World War III की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है यूक्रेन वॉर से, और हर तरफ आप दुनिया में कहीं पर भी देखें हर तरफ अफरा तफरी है, तो वर्ल्ड इज एट वॉर। और क्या इस वक्त हम उस फेज में हैं कि हम इस अशांति को आगे लेके जाएं? कैन वी अफोर्ड दीज वॉर लाइक सिचुएशंस? अभी येस्टरडे वेरी सैडली आई हर्ड मेनी पीपल अगेन डाइड इन कश्मीर, बाकी जगहों पर सब चलता रहता है। और दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि दिवाली का सिंबलिज्म क्या था, अब जो है वो एक अलग चीज़ है, अब तो एक इवेंट हो गया है, पर दिवाली मुझे लगता है मेरे मायने में जो हमने अपने बुजुर्गों से समझा सीखा, दिवाली दुनिया का सबसे बड़ा शांति पर्व था या है। सही मायने में अगर देखा जाए, इट इज़ द ग्रेटेस्ट फेस्टिविटी ऑफ पीस, इट इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ पीस। भगवान राम ने जब रावण को हराया और इतने बड़े जब एक युद्ध का समापन हुआ, तो वो उस जब अयोध्या वापस लौटे भगवान श्री राम, तो वहाँ के लोगों ने दिए जलाए। वो सिंबलिज्म था उस चीज़ का कि उस अंधेरी रात में एक व्यक्ति ने शांति की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। तो मेरे माइंड में जब भी मैं अशांति और दिवाली को आपस में जोड़ के देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा शांति का पर्व अगर दिवाली है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल ऑफ पीस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सिंबल ऑफ पीस वो दिया है, जो इस चीज़ को डिनोट करता है कि धर्म की स्थापना, जो इस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि शांति अभी भी वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारा शांति है। अगर समाज में शांति नहीं है तो आप कुछ भी करिए, वो चीज़ कभी भी कामयाब है। हैड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग इंडिया व्हाट इंडिया इज पोस्ट 1947, चाहे हमारी फ्रीडम मूवमेंट्स रही हो, चाहे हमने 80 का दशक देखा हो, उसके बाद हमने इतने सारे उद्योगों की शुरुआत की, जो ओरिजिनल उद्योगपति इस देश को चलाने वाले उद्योगपति थे वो इस मिट्टी के निकले हुए थे। जो अनडिवाइडेड पंजाब था, आज इस देश ने जो पहचान बनाई है वो इस मिट्टी की कर्जदार है। तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शांति का प्रतीक अगर कहीं हो सकता था, इसी धरती पर हो सकता था, इसी के लिए हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार लगे हुए थे।
तो आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। पर्सनल लेवल पे इसलिए भी खुशी हो रही है कि मैं दोबारा कुछ एक बड़ा, जो मैंने सोचा कि एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हो वो यहीं की धरती से हो। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट वेरी सून, नियर अबाउट दिवाली, दिस लैंड विल होस्ट द बिगेस्ट सिंबल ऑफ पीस दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। और इस दिए को जलाने के लिए और भी कई सारी चीजें जो मैंने सोची, मुझे लगता है कि पीस हमारे लिए एक दिन नहीं हो सकता। अगर हमें कोई चीज लगातार चाहिए, सोते हुए भी चाहिए, तो वो शांति है। हम शांति से सोना चाहते हैं, शांति से काम करना चाहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं खाना खाना है तो शांति के साथ खाओ, हबड़ा दबड़ी में खाना होगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन कोई प्रयास किया और उसके बाद आप भूल। इसके लिए मेरा प्रयास ये है, और आप लोगों के आशीर्वाद से आई एम श्योर आई विल सक्सीड इन दैट। मेरा प्रयास ये रहेगा, माई एम्बिशन इज टू सी दैट दिस सिंबल ऑफ पीस इज परमानेंट। ये दिए की जो जोत हो वो अखंड हो, वो हर दिन, वो 24 घंटे हम सबको याद दिलाती रहे कि हमें, हम सब की जिम्मेदारी है। शांति सरकार की जिम्मेदारी बहुत बाद में है, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी है। हमको जब तक हम आर्टिकुलेट नहीं करेंगे कि हमको शांति चाहिए, कोई हमें शांति नहीं देगा। तो ये उस चीज को भी सिंबलाइज करेगा कि हमें इस चीज की जरूरत हर दिन है, और ये दिया हर दिन जलता रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो मेरी जानकारी में अभी तक का जो सबसे बड़ा दिया जो माना जाता है, ऐसा मैंने सुना है कि उसमें करीब 2247 लीटर उसमें तेल उसमें आया था। खैर उसके बाद शायद वो मेंटेन नहीं हो पाया। तो ये रिकॉर्ड तो हम डेफिनेटली तोड़ेंगे और इससे बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे इस धरती के लिए। और ये मेरी नज़र में एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ लोग आके प्रेरणा लें। इस ये प्रतीक जो है ये समर्पित होगा न सिर्फ इस देश को, इस धरती के लोगों को, बल्कि हर उस इंसान के लिए सारी दुनिया में जिसको शांति चाहिए वो यहाँ आके प्रेरणा ले सकता है। एंड यू नो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स एंड आई रियलाइज कि पंजाब इज सच एन अनयूजुअल प्लेस, सच एन इनक्रेडिबल प्लेस। हमने अशांति भी देखी, वो भी हमको याद दिलाते रहते हैं कितने इंटरनेशनल बॉर्डर मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पंजाब के साथ ही लगता है। तो इसी धरती पे आपको दो प्रतीक मिलेंगे, एक जो हमें हमेशा अपनी कॉन्फ्रंटेशन याद दिलाता है कि हमारे अपने नेबर्स के साथ जो हमारी कॉन्फ्रंटेशन है, उसके पैरेलल में यही धरती आपको ये भी याद दिलाएगी कि दुनिया में जो हो रहा है, इन सब का एंड प्रोडक्ट, एंड रिजल्ट हम सबको एक ही चाहिए। एज दे से इन फिल्म इंडस्ट्री दैट द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ वॉर इज पीस। तो मेरे ख्याल से ये भी एक पोएटिक वे में हम कह सकते हैं कि जहाँ इस धरती ने इतने कॉन्फ्रंटेशन देखे, लेकिन शांति का प्रतीक यही होना भी तय आएगा। और कुछ टेस्टिंग वगैरह के बाद में हम इसको परमानेंट एज अ फिक्स्चर इसको डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, और कोशिश ये करेंगे कि ये अपने आप में एक कीर्तिमान तो है ही है, और जिस तेज़ी से हमने इस पे काम किया है, अलग अलग हमारी कई 100 लोगों की टीम अलग अलग जगहों से इस एफर्ट को हम लोग बहुत क्वाइटली सब लोग इस पे 24 घंटे लगातार काम करके, हम लोग खुद भी, मैं, मेरा कलीग दिवांशु, हम लोग शायद पिछले 3-4 दिन में मुश्किल से 3-4 घंटे ही सोए हैं इस पूरी एक्टिविटी को कॉर्डिनेट करने के लिए। कई सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि दिवाली के अगल बगल में ही आप लोगों को ये कुछ खबरी दे पाएँ कि ये कब से परमानेंटली होगा, और उससे पहले हम लोग टेस्टिंग वगैरह भी कर लें। सो दिस इज, आई थॉट दैट दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट पर्सनली टू मी, दिस लैंड इज ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट, एंड प्रोफेशनली ऑल्सो आई थिंक आफ्टर सम टाइम आई एम मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट, टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, एंड it is just I think divine intervention that it had to be from this size hai, iska capacity ke hisab se dhapa jayega. To jo isi capacity, holding capacity hogi, wo kam se kam 2500 liter ki holding capacity hogi. Abhi tak ka jo duniya ka kirtiman hai aisa bataya ja raha hai,
है कि वो 2247 लीटर्स का है, 2247 लीटर का होल्डिंग कैपेसिटी वाला है। तो ये रिकॉर्ड तो हम डेफिनेटली तोड़ ही रहे हैं, उससे एक ज्यादा का कीर्तिमान आप समझिए कोशिश मेरी ये रहेगी कि 2500 लीटर के ऊपर की होल्डिंग कैपेसिटी हो। तो उसके हिसाब से उसके डायमेंशंस, क्योंकि अभी अभी कई सारी चीज़ें उसकी वो हो रही हैं, लगातार उस पर चीज़ें ट्रायल भी कर रहे हैं, तो ऐसा मेरा गेस वर्क अभी है कि वो करीब आप समझिए कि करीब 1.5 मीटर डेप्थ होगी उसकी, करीब 2.5 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, उसी हिसाब से वो एक फ्रेमवर्क वो बन के आ रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती, क्योंकि इतना बड़ा ऑयल की अपनी डेंसिटी होती है, इसका अपना वजन होता है, ये करीब मुझे लगता है कि 1500-1500 किलो का इसका अपना वजन होता है, तो उसका जो प्लेटफॉर्म है, तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन जो अदरवाइज शायद साल भर लग जाता उस प्लानिंग को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले 30 दिन में हम इसको कर पाए, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी, मतलब अगर हम कर पाए तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा सौभाग्य रहा हमारा कि हम इस चीज़ को कर पाए।